हेलो भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मालू कैलेंडर्स और लिप्सन सुपर जायंट्स के बीच में होने वाले आज के T10 मैच के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा, बस आप लोग वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दें भाई। और आपको बता दूँ कि आज एक गिववे रखा हूँ, ठीक है, आपको मैं आगे बताऊँगा वीडियो में, तो वीडियो में पूरा बने रहना, ठीक है, गिववे का मज़ा लेना। और ये गिवे सिर्फ चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए है, और टेलीग्राम को जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके लिए, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको मिल जाती है एक फाइनल टीम, ठीक है, और आपको जो भी अपडेट रहता है मैं यहाँ पर आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो फटाफट से। तो चलिए दोस्तों, मैच के बारे में बात करते हैं थोड़ा, है ना। तो मैच स्टार्ट होगा 1 बजे और वेन्यू रहेगा सेंट्रम क्रिकेट ग्राउंड कार्टसो का। और पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक बैलेंस सरफेस आपको देखने को मिलेगा, ओवरऑल आर्टिफिशियल विकेट है। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो 35 मैच यहाँ खेले गए हैं, 18 मैच बैटिंग फर्स्ट और 17 मैच बैटिंग सेकंड की टीम ने यहाँ पे विन किया है। और दोस्तों, लास्ट मैच के रिकॉर्ड देखें तो MAL की टीम ने यहाँ पर कंटिन्यू अपना 5 मैच यहाँ पर विन किया है, ठीक है, 5 मैच इन्होंने खेला है, 5वें विन किया है। और LSG की टीम ने यहाँ पर 4 मैच खेला है और 4ों मैच हार के आ रही है। तो LSG की टीम थोड़ी सी वीक है, और एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट की बात करें तो 80 से 110 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मालू कैलेंडर्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर बात करते हैं। तो यहाँ से ओपन कर रहे हैं अमनदीप सिंह और मियाँ शाही, ठीक है, दोनों ओपन कर रहे हैं। अमनदीप सिंह 2 ओवर की बॉलिंग के साथ साथ ओपन कर रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, जरूर इनको टीम में पिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, मियाँ शाहिद का उतना अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं है, बाकी ये भी बॉलिंग कराते हैं पार्ट टाइमर, लेकिन अभी बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, और बल्ले से भी उतना अच्छा खासा नॉक नहीं है। बाकी इनकी टीम स्ट्रांग है, तो आप इनको भी लेकर के चल सकते हो। उसके बाद दोस्तों आएंगे जफर अली, देख सकते हो जफर अली का फर्स्ट मैच में जो खेले थे 28 और 2 विकेट थैकोड़ा डाल के, उसके बाद 51-12, ये हीटिंग कर सकते हैं, हीटिंग काफ़ी अच्छा करते हैं ये, और जफर अली को बिल्कुल पिक करके चलना है, ठीक है। और ये बॉलिंग भी कराते हैं, लेकिन इस सीज़न उतना बॉलिंग नहीं करा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आएंगे आमिर जैब हैं, आमिर जैब भी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, और देख सकते हो ये कभी भी बॉलिंग करा सकते हैं, कभी भी कभी बैटिंग से प्रमोट हो जाते हैं। तो ऐसे प्लेयर्स को आप बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना, इनको ले करके चलना है, ठीक है। आप देख सकते हो नॉक कितना अच्छा है, 23, 43, 29 और 16, 18, तो काफ़ी अच्छा बैटिंग कर रहे हैं, अपनी टीम में जरूर लेकर के चलना है। उसके बाद दोस्तों असीम सरवार हैं T10 के, 29 मैच में 25 विकेट इनके नाम है, और अभी हर मैच में बॉलिंग करा रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है, जरूर इनको भी पिक करके चलना है। असीम सरवार को कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। उसके बाद दोस्तों सैयद मैसा में हर मैच में 2 ओवर की बॉलिंग करते हुए दिखेंगे आपको, जरूर इनको पिक करके चलना है, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, आज के कैप्टन वाइस कैप्टन के प्रबल दावेदार भी रहेंगे। उसके बाद दोस्तों जुल्फिकार शाह हैं, इनकी बैटिंग आती है तो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, बैटिंग में अच्छा खासा रहता है इनका, तो जुल्फिकार शाह को आप लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन इनकी बैटिंग ऊपर आनी चाहिए, तब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उस सिचुएशन में इनकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाएगी, ठीक है, जब ऊपर बैटिंग करने आएंगे। तो जयस पोपट है, इनको प्रीफर नहीं करूंगा, ड्रॉप करके चल सकते हो। रोशन सिंह को ले सकते हो दोस्तों, विकेट कीपिंग करा रहे हैं, वहाँ से पॉइंट दे सकते हैं, तो रोशन सिंह के साथ जा सकते हो। उसके बाद रिजवान है दोस्तों, देख सकते हो लास्ट के 3 मैचेस में 4 विकेट इनके नाम है, तो जरूर इनको पिक करके चल सकते हो, हर मैच में 1 से 2 ओवर की बॉलिंग आपको कराते हुए दिख जाएंगे। दोस्तों अभी के लिए यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ से अमनदीप सिंह है, जफर अली है और आमिर जैब हैं दोस्तों, फिर नीचे से असीम सरवार, सैयद मैसम, और यहाँ से आप लेना चाहो तो सीधा ले सकते हो मोहम्मद रिजवान और रोशन सिंह को, ठीक है। तो इतने प्लेयर्स को आप पिक कर सकते हो, बैंस के कोई भी प्लेयर अगर खेलते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे स्टार्टिंग के ओवर आपको मनदीप सिंह, सैयद मैसम करते दिखेंगे, डेथ में आपको असीम सरवार और मोहम्मद रिजवान बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं LSG के प्रोबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो यहाँ से ओपन करते हैं एंटोनी चैम्बर्स और सूरज सुकुमारन, ठीक है। तो एंटोनी चैम्बर्स का आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, 28-38, और बैटिंग से भी काफ़ी अच्छा है, तो एंटोनी चैम्बर्स को आप इनकी टीम से बिल्कुल पिक कर सकते हो, ठीक है। सूरज सुकुमारन 20 और 25 की इनिंग आई है, उतना अच्छा खासा इनका रिकॉर्ड नहीं है, बाकी अभी अच्छा कर रहे हैं, तो ज़रूर इनको भी टीम में ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों जसवंत सिंह आएंगे, लास्ट मैच खेले थे और 2 ओवर भी डाला था, इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं, 11 रन भी किए थे, जरूर इनको जसवंत सिंह को अपनी टीम में लेकर के चल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों रुतुल पटेल हैं, रुतुल भाई चौधरी हैं सॉरी, तो ये आपके लिए 102 ओवर की बॉलिंग करा करके आ सकते हैं, और लास्ट के 4 मैच में इनके नाम 5 विकेटें हैं, तो जरूर इनको टीम में पिक करके चलना है, इनकी टीम के मेन बॉलर हैं, ठीक है ये। उसके बाद दोस्तों अंकित सिंह हैं, लास्ट के 3 मैच में
इन्होंने बॉलिंग किया है और उसमें दोस्तों 4 विकेट इनको मिली है, तो जरूर अंकित सिंह को ले सकते हो। बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं ये। अंकित सिंह को टीम में पिक करके चलना है। उसके बाद दोस्तों जिग्नेश कुमार मेहता हैं और ये 2 मैच खेले थे, 1 मैच में तो उनको 2 ओवर मिला था, उसके बाद उनको बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं मिला था। बाकी प्लेयर अच्छे हैं, जरूर पिक कर सकते हैं उनको, जिग्नेश कुमार को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से रौनक पटेल हैं, मैं प्रीफर नहीं करूँगा, और वी ए वगैरह हैं, इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगे। भौमिक को आप ले सकते हो, आपके लिए 2 ओवर की बॉलिंग करा करके देंगे और विकेट भी ले सकते हैं। फिर लास्ट के 3 मैचेस में हालांकि इनको विकेट नहीं मिला है, डिफेंसर रहेंगे, जरूर उनको पिक करके चलना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अनिल कुमार श्रीवास्तव प्रीफर नहीं करूँगा मैं। शिवशंकर शर्मा हैं, लास्ट के जो 3 मैचेस हैं उसमें 4 विकेट इनके नाम हैं और काफ़ी अच्छा बॉलिंग करा रहे हैं, डेथ में भी बॉलिंग करा रहे हैं, तो पिक कर सकते हो। बेंच के कोई भी प्लेयर खेलते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे स्टार्टिंग बॉल आपको रितुल भाई चौधरी, जसवंत सिंह, डेथ में आपको सुमन भौमिक और शिवशंकर शर्मा बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों प्लेयर के स्टेट्स के बारे में। अब बात करते हैं डेमो टीम की। तो दोस्तों यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन से अपन को लेना है आर सिंह को लेंगे, ठीक है। पोपट का तो लेना कोई दिक्कत कोई मतलब का नहीं है, श्रीवास्तव भी उतना अच्छा खासा भी कर नहीं रहे हैं, आर सिंह विकेट कीपिंग से पॉइंट दे सकते हैं। अब सीधे आ जाता हूँ बैटिंग में, तो बैटिंग से मुझे चैम्बर चाहिए, ठीक है। और दोस्तों ए वगैरह को मैं प्रीफर नहीं कर रहा हूँ, इतना अच्छा खासा नॉक नहीं दिखा। आप ले सकते हो शाह को, ले सकते हो अगर ग्रैंड लीग की टीम में चाहो तो, और डिफेंसर इनको। मियां शाहिद दोस्तों ओपनिंग कर रहे हैं, कभी भी अच्छा खेल सकते हैं, पिक कर सकते हो। आज की वीक टीम के साथ मैच है तो थोड़ा सा इनको प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। आज के मैच में जेएस मेहता है और ये आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, तो आप चाहो तो इनको पिक कर सकते हो। लास्ट मैच खेले थे ये, और मैं अभी के लिए प्रीफर नहीं कर रहा हूँ। बाकी नीचे के कोई भी प्लेयर खेलते हैं तो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आ जाते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, यहाँ हमको मिलेंगे इम्पोर्टेंट प्लेयर। तो ए सिंह को यहाँ से लेना है और जफर अली इम्पोर्टेंट रहेंगे, आमिर जैब यहाँ से इम्पोर्टेंट रहेंगे दोस्तों, यहाँ से जे सिंह को लेना है, इम्पोर्टेंट रहेंगे, और यहाँ से ए सिंह, ठीक है। तो इतने प्लेयर्स इससे मुझे लेने हैं, बाकी प्लेयर उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इतने प्लेयर जितने हैं उनको लेना इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ से अट्टारी खेलते हैं तो उनको ले सकते हो। सीधे बॉलिंग सेक्शन में आते हैं, तो यहाँ से रुतुल भाई चौधरी इम्पोर्टेंट रहेंगे, सैयद मैसम और दोस्तों यहाँ से असीम सरवार, ठीक है। तो ये 3 प्लेयर तो इम्पोर्टेंट है, इनके बिना हम नहीं जाएंगे। असद महमूद को भी ले सकते हो, एज अ डिफरेंशियल सिलेक्शन 37% है, लेना चाहो तो बिल्कुल उनको पिक कर सकते हो। दोस्तों यहाँ से आप एस शर्मा के साथ चले जा सकते हो, एस शर्मा को मैं यहाँ पे पिक करूँगा, ठीक है। ये मेरी डेमो टीम है, यहाँ पे अपनी कैप्टेंसी में असीम सरवार के साथ जा सकता हूँ, ठीक है, या फिर कैप्टेंसी में जफर अली को भी दे सकता हूँ। तो ये कैप्टन वाइस कैप्टन के आपके पिक रहेंगे। आपको मैं फाइनल टीम टेलीग्राम पे दे दूंगा आफ्टर टॉस। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।